उत्तराखंड के देहरादून में 66वीं ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज पुलिस लाइन ग्राउंड में किया गया। चैंपियनशिप का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्यपाल डॉक्टर के पॉल ने किया। चैंपियनशिप में 28 राज्य के खिलाड़ी सहित 32 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि जब उत्तराखंड ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स मीट की मेजबानी कर रहा है, इससे पहले उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट, बैडमिंटन, टेनिस एवं फुटबॉल की सफलतापूर्वक मेजबानी की जा चुकी है। देहरादून में आयोजित हो रहे इस राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स मीट में कई राज्यों के पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की 32 टीमों के 1119 एथलीट प्रतिभाग कर रहे हैं। वहीं राज्यपाल ने कहा है कि उत्तराखंड पुलिस के लिए यह एक गौरव की बात है। चैंपियनशिप का मौका उत्तराखंड पुलिस को मिला। उत्तराखंड पुलिस इस प्रतियोगिता को कामयाबी से संपन्न करेगी। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। उत्तराखंड के लिए और खासतौर से उत्तराखंड पुलिस के लिए बहुत ही एक गौरव की बात है। एक नेशनल लेवल इवेंट यहाँ पे होस्ट करने का मौका मिल रहा है और लगभग 1100 से ऊपर सारे सभी प्रांतों से यहाँ पे एथलीट्स आए हुए हैं। तो सर, हमारे उत्तराखंड को मिला है इस मेजबानी करने का और हमने ऐसे सभी खिलाड़ी जो पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर जमा हुए हैं उनका उत्साहवर्धन किया है और उसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि 5 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में सभी खेल भावना के आधार पर यहाँ पर ये प्रतियोगिताएँ कामयाब होंगी और इसमें हम उत्तराखंड के अपने उन सभी प्रतिभागियों को शुभकामना भी देते हैं कि उत्तराखंड जिस तरह से पहले भी अव्वल रहा है, अब इन प्रतियोगिताओं में भी अपना स्थान हासिल करेगा।